हाय दोस्तों, आज आए हुए हैं हम जिला हरिद्वार के लाल ढांग क्षेत्र में। यहाँ पर हमारे बुक्सर जनजाति के कानून को श्री हुकुम सिंह जी की सुपुत्री और जगत सिंह पवार के पुत्र का विवाह होगा। तो दोस्तों, आपको दिखाएंगे पूरी शादी और बुक्साड़ी रीति रिवाज गढ़वाल मंडल के। देखिए कितनी सुंदर लोकेशन है, देखिए हमारे कानून के साथ हुकुम सिंह जी, वीरेंद्र गुरु जी तैयारी करते हुए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये जो परंपरा है माता जी, ये कौन सी परंपरा है? ये जब बान बैठा लड़का नहीं, हाँ, तो हम ये महिलाएं सब रात में संगीत करती हैं। अच्छा, गाने वाने खुशी के। अच्छा, खुशी गाने गाते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी बुक्सर जनजाति की परंपरा। आइए आपको सुनाते हैं इनका गाना। दोस्तों ये है कुंवार छल की परंपरा। इस परंपरा में मामा द्वारा पानी लाया जाता है और उस पानी रखा जाता है, फिर इसी पानी से मामा के द्वारा दूल्हा को स्नान किया जाता है, जिससे दूल्हे का कुंवारापन ख़त्म हो जाता है, ऐसी मान्यता है। देखिए कितनी खूबसूरत और प्यारी परंपरा है ये कुंवार छल की। देखिए यहाँ पर दूल्हे के मामा मामी जी आए हुए हैं। धूमधाम से मामा मामी का आदर सत्कार होता है, गाजे बाजे के साथ मामा का वेलकम स्वागत होता है। वैसे तो सभी का स्वागत होता है, लेकिन मामा मामी आज यहाँ पर भात भरेंगे। देखिए किस तरह से स्वागत करते हुए अपने भाई का, ये बहन भाई का प्यार है। देखिए दोस्तों एक और खूबसूरत परंपरा, यह है पितृ पूजन की परंपरा। आज यहाँ पर पितृ पूजे जाते हैं, जितने भी सारे बुजुर्ग थे जो अब इस दुनिया में ना रह चुके हैं, उनके पितरों की पूजा की जाती है, ताकि शादी सही सलामत हो, कोई रुकावट ना आए। बुक्सा संस्कृति के वैसे तो बहुत लोकगीत हैं, हर अलग अलग परंपराओं के अलग अलग लोकगीत हैं। इसी तरह से इस परंपरा का भी, पितृ पूजन की परंपरा का भी एक गीत है तेल कढ़ाई में, जो काफ़ी फेमस है, जो आज महिलाएं गा रही हैं। देखिए दोस्तों, ये हैं हमारे कानून को हुकुम सिंह जी और कमल भैया, जो अतिथियों का स्वागत करने के लिए दरबार पर खड़े हैं।
देखिए दोस्तों, धीरे धीरे अब सभी मेहमान इस भव्य पंडाल में आ चुके हैं और कुछ लोग आ रहे हैं। यहाँ पर ये मैरिज पार्टी हो रही है, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये सभी बुक्सा जनजाति के लोग हैं, सारे पुरुष महिलाएं, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है इस शादी का। और थोड़ी देर में यहाँ पर बारात आने वाली है गाजे बाजे के साथ, और ये जो है सब घराती हैं बारात का इंतज़ार करते हुए। आज हमें हमारे ससुराल मिले हैं, तो भैया जी बताइए आप कहाँ कहाँ के हैं? मैं छोटे रसलपुर से हूँ। और मैं भी छोटे रसलपुर से हूँ। हाँ भैया। सर मैं कुमारी वाला ऋषिकेश से हूँ। नमस्कार। आप हमारे बुक्सा परिवार से ना, दीक्षा लाइक करें, आइए आपको इंजॉय कराते हैं शादी। हम कुमारी वाला ऋषिकेश से। अच्छा। बड़ा अच्छा लगता है कि आज हम लालढांग में है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब इससे ज्यादा हम क्या कहें, बुक्सा परिवार से जुड़े हुए हैं। आज हमें शादी मिले हमारे राजू भाई जो बिजनौर खेड़ा गांव से है, तो कैसा लग रहा राजू भाई आपको? बहुत बढ़िया लगा भैया, खूब आ रहा है। आपको बहन जी कैसा लगा यहाँ शादी में? चलो चलो, ये हमारे हीरो साड़ के हीरो है। ये भैया जी मिले हमारे नैन सिंह तोमर आज यहाँ शादी में, तो भैया जी कैसा लग रहा है? प्रदीप कुमार महानंद जी का। अच्छा, कहाँ से हो? रसूलपुर पटवारी चाचा कहीं रसूल से। अपना नाम और गांव? हमारा, मैं घुमाने वाला ऋषि कैसे हो? मैं लालडांग से पटवारी चाचा का पति जाऊँ। मोहन सिंह बाजपुर से उत्साह जन जाती है। हम हर सुबह ड्यूटी करते हैं, हमारे घर लाल जाऊँ नहीं। मिले हमारे सब्सक्राइबर, तो भैया जी अपना नाम बताइए। कृष्ण कुमार। कहाँ से हो आप? ग्राम गंज का थे। अच्छा, गंज का थे आप। हाँ जी, ठीक है भैया जी, लीजिए फुल मजा। ठीक है। ये हमारी बहन जी भी है, तो बहन जी आप अपना नाम बताइए। तो दोस्तों, जिसका इंतज़ार था बेसब्री से, वो पल आ चुका है, आ चुकी है यहाँ पर बारात। झूमते नाचते गाते हुए ये सारे बाराती, देखिए कितना खुशी का माहौल है, देखिए कितना सुंदर डांस, झूमते गाते हुए बाराती।
देखिए दोस्तों, ये है स्वागत परंपरा। ये जो परंपरा है बहुत ही खूबसूरत परंपरा है। ये खासकर सालियों की परंपरा है। यहाँ पर बरातियों का स्वागत किया जाता है, दूल्हे को तिलक लगाकर, मुंह मीठा करके और आरती उतारकर भव्य स्वागत किया जाता है। यही है खूबसूरत परंपरा। आइए आप भी इंजॉय करें इस शादी का, इस बारात का। देखिए दोस्तों, ये भी एक परंपरा है। दूल्हे राजा को गोदी में या कंधे में बैठाकर यहाँ पर लाया जाता है। और देखिए बरातियों का स्वागत सत्कार करती हुई सालियाँ और दूल्हे द्वारा फीता काटकर अंदर प्रवेश किया जाएगा। देखिए ये सारे बराती हैं, कितने खुश हैं। देखिए साली अपना नेक मांग रही है अपने जीजा जी से फीता काटने के लिए। एक हमारे भैया जी मिले यहाँ पर, कहाँ से भैया जी? देहरादून दूधली। अच्छा, नाम क्या आपका? संजीव कुमार। यहाँ शादी फंक्शन में हमारे भाई जी मिले हैं। कहाँ से भाई जी? अच्छा, वीडियो देखते हैं हमारी।
तो देखिए दोस्तों, वर-वधु अब वरमाला को लेकर खड़े हैं और दोनों एक दूसरे पर वरमाला डालेंगे। यही है वरमाला की परंपरा। देखिए कि परंपरा है सालियों द्वारा जूता चुराने की परंपरा। ये साली यहाँ देखिए अपने जीजा जी के जूता ले जा रही हैं और ये जूता तब देंगी जब दूल्हा जी इन्हें कुछ दक्षिणा नेक देंगे। कहते हैं सबसे बड़ा दिन, सबसे सौभाग्यशाली दिन होता है बेटी का कन्यादान, और आज वो दिन आ चुका है। देखिए कन्यादान करते हुए माँ बाप, अब फेरे की रस्म शुरू होने वाली है। आज दोनों वर वधु सात फेरे लेकर एक होने जा रहे हैं। आज ये दोनों परिवार एक होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यही है बुक्सा समाज की शादी, यही है बुक्सा समाज के रीति रिवाज। तो दोस्तों, आपको ये बुक्साड़ी शादी और बुक्साड़ी रीति रिवाज कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप भी शादी का एंजॉय करें हमारे साथ।